जैन दोस्तों, हवा क्या होता है, हवा कैसे उत्पन्न होता है, हवा का निर्माण कैसे होता है, हवा कहाँ कहाँ पर जरूरी होता है, हवा कहाँ कहाँ पर जरूरी नहीं होता है, और हवा कभी कभी ऐसा होता है जैसे हवा चल ही नहीं रहा है, और हवा कभी कभी ऐसा होता है कि आंधी तूफान का रूप लेकर के पेड़ों तक को उखाड़ सकता है। दोस्तों, आज इस वीडियो लेक्चर में इन्हीं सब चीजों के बारे में हम विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न आता है कि हवा क्या होता है, तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होता है। इसमें कुछ धूल के कण भी हो सकते हैं। दोस्तों, हवा में जो ऑक्सीजन होता है, इस ऑक्सीजन का दो महत्वपूर्ण योगदान होता है। पहला चीज की किसी इंसान को, किसी जानवर को अगर सांस लेना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जरूरी होता है। दूसरा चीज की किसी भी चीज को जलाना है तो वहाँ पे ऑक्सीजन जरूरी होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में कोई भी चीज जल नहीं सकता है। तो ये ऑक्सीजन की महत्वपूर्ण बातें हो गई। दोस्तों, जो हमारा पृथ्वी होता है ये एक वायुमंडल से घिरा हुआ है, यानी कि वायुमंडल में अनेक प्रकार की गैसें होती हैं। जैसे कि हमने बताया कि नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तमाम प्रकार की गैसों का मिश्रण होता है। इस मिश्रण के अंतर्गत जो है कि हमारा पृथ्वी जो है कि टिका हुआ है। अब दोस्तों, होता क्या चीज की जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर गैस के जो अणु होते हैं, वह गैस के अणु एक जगह पे इकट्ठा नहीं रहते हैं। मीन्स गैस के अणु हमेशा मूवमेंट करते हैं, मीन्स डोलते रहते हैं। यानी कि कोई भी गैस हो, उस गैस का क्वालिटी ही ऐसा होता है कि उसके अणु स्थिर नहीं रह सकते हैं। जो गैस होता है, उस गैस के अणु कभी भी स्थिर नहीं रहते, कभी भी अस्थायी नहीं रहते हैं। दोस्तों, यानी गैस के अणु जो होते हैं, यानी कि हमेशा वो घूमते रहते हैं। तो जब गैस के अणु मान लीजिए कि घूम रहा है, जैसे कि ऐसे गैस का अणु घूम रहा है, और इसी बीच में हम आ जाते हैं, और गैस के अणु जब घूमेगा तो हमसे जाकर के टकरा जाता है। जब टकराता है दोस्तों, तो हम लोग को एहसास हो जाता है कि नहीं, हवा चल रहा है। तो दोस्तों, ये जो हवा होता है, ये कभी भी स्थिर नहीं होता है, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हमेशा जो है कि हवा चलता रहता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि हवा जो होता है, ऑक्सीजन जो होता है, वो हमेशा रन करता है। दोस्तों, तो दोस्तों आइए हम जानते हैं कि हवा के चलने के पीछे कौन कौन सा प्रक्रियाएं होता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, इस चीज को हम जानते हैं। तो दोस्तों, हवा के चलने के पीछे दो महत्वपूर्ण योगदान होता है, यानी कि पहला चीज होता है टेम्परेचर का, यानी ताप का, और दूसरा चीज होता है प्रेशर का, यानी कि दबाव का। यानी कि दोस्तों, इन प्रेशर के बारे में, इन टेम्परेचर यानी तापमान के बारे में अगर हम अच्छे से जानकारी ले लेते हैं तो दोस्त हवा का हर कंसेप्ट जो है कि हमें समझ में आ जाएगा। तो आइए सबसे पहले यानी कि इसको हम विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, हवा में जो गैस होते हैं, इस गैस के अणु को यानी कि मूवमेंट करने के लिए टेम्परेचर इसको चाहिए। यानी कहने का मतलब ये चीज़ है कि हवा जितना ही ठंडा रहेगा उतना ही यानी कि स्थिर होता जाएगा, और हवा जितना ही गर्म रहेगा उतना ही जो है कि गतिमान होता जाएगा। दोस्तों, इसको हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सपोज करिए कि किसी क्लासरूम में 15-20 बच्चे हैं, और अगर 15-20 बच्चे हैं और उसमें जो है कि हम आग लगा दें, तो जब हम आग लगाते हैं तो बच्चे मूवमेंट करने लगते हैं, यानी गति करने लगते हैं। तो सेम प्रोसेस जो है कि जो हमारे गैस होते हैं, उस गैस के अणु में भी होता है। अगर गैस के अणु में अगर टेम्परेचर मिल रहा है, अगर यानी कि ताप उसे मिल रहा है, तो वो गतिमान थोड़ा ज़्यादा हो जाते हैं। अगर यानी कि टेम्परेचर नहीं मिल रहा है तो वो गतिमान जो है कि कम होते हैं। दोस्तों, तो यही कारण होता है कि जो भी गैस होते हैं, उन गैसों का टेम्परेचर पे यानी कि प्रभाव पड़ता है। टेम्परेचर अगर ज़्यादा रहेगा तो उसका गतिमान जो है कि ज़्यादा रहेगा, अगर टेम्परेचर कम रहेगा दोस्तों, तो यानी कि जो अणु रहेंगे, उस अणु जो है कि कम गतिमान होते हैं। तो दोस्तों, ये जो टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर मिलता कहाँ से? पहला चीज़ कि हमारे वातावरण से मिलता है टेम्परेचर, दूसरा चीज़ कि सन के लाइट से टेम्परेचर मिलता है। अब यानी कि टेम्परेचर करता क्या है दोस्तों, जैसे ये टेम्परेचर यानी कि इनके ऊपर पड़ता है तो इनमें जो है कि ऊर्जा आ जाता है, यानी एनर्जी आ जाता है, और वही एनर्जी जो है कि इनको चाहिए होता है मूवमेंट करने के लिए। किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना है तो उसको यानी कि एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी दोस्तों यहाँ पर टेम्परेचर से प्राप्त होता है। दोस्तों, जैसे कि अगर दो इलाकों में टेम्परेचर में यानी कि बदलाव होता है तो हवा बहने लगती है। अब जैसे सपोज करिए कि एक इलाका में ठंडा है और एक इलाका में गर्म है, तो गर्म वाली जो हवा है यानी कि वो टेम्परेचर मिलने की वजह से ऊपर उठने लगेंगी, और जैसे ही वो ऊपर उठेगा तो जो गर्म वाला इलाका था उस इलाके में ठंडी हवा जा करके जो है कि प्रवेश करेगा। क्योंकि जो गैस होता है और जो लिक्विड होता है, इसका एक क्वालिटी होता है कि जब तक यानी कि ये अपने लेवल पर ना हो जाए, ये स्थिर नहीं रह सकता है। यानी कि इसके अणु जो है कि हमेशा गतिमान रहेंगे, लेकिन अपना लेवल जो है कि ये पूर्ण रूप से करता रहेगा। जैसे सपोज करिए अगर आप यानी कि एक बाल्टी में पानी अगर रखते हैं, एक गिलास रखेंगे, तो पूरा तली जो है कि एक बराबर रूप से हो जाता है। जैसे नहर होता है तो नहर में यानी क्या होता है कि ऊंचे से नीचे की ओर पानी जाता रहेगा, तो ऐसे ही क्वालिटी दोस्तों गैस में भी होता है। यानी गैस जो है कि पूर्ण रूप से यानी कि फैल जाएगा हर जगह पे, जहाँ पे यानी गैस की मात्रा कम होती है वहाँ पे यानी कि हर बराबर रूप से ये फैलता रहता है, यानी कि जो हमारा टेम्परेचर होता है उस टेम्परेचर के अकॉर्डिंग।
जैसे कि हमारा जो गर्म हवा है, अब यानी कि मान लीजिए कि ये यहाँ पर हवा था, जैसे सन का लाइट पड़ा इस पर, अब यानी कि ये गर्म हो गया, गर्म होकर के ऊपर उड़ गया, तो जो खाली स्थान बचता है उस स्थान पर यानी कि ठंडी हवाएँ आ जाएगी। अब यानी गर्म हवा ऊपर गया, ठंडी हवा नीचे आया, तो इस प्रक्रिया में जो हवा होती है चलने लगती है और हम लोग को एहसास होता है कि नहीं हवा चल रहा है। दोस्तों जो हवा होता है कभी गर्म होता है कभी ठंडा होता है, तो इसके पीछे क्या कारण होता है, इसके पीछे जो होता है कि टेम्परेचर। दोस्तों होता क्या है कि जब सूर्य की किरणें यानी कि निकलती है तो सूर्य की किरणें एक समान रूप से हर जगह नहीं फैल पाती है, क्योंकि हमारी जो जमीन होती है वो कहीं पे ऊबड़ कहीं पे खाबड़ होती है, कहीं पे तिरछी यानी किरण पड़ती है, कहीं पे सीधा किरण पड़ता है, कहीं पे यानी किरण जो है कि पड़ता ही नहीं है, जैसे कि पहाड़ों के बीच, पहाड़ों के यानी कि पीछे आ जाए जो यानी कि जगह, तो वहाँ पर किरण जो है कि पड़ती ही नहीं है। तो जो हमारे यानी जहाँ जहाँ पर किरण पड़ती है वहाँ का यानी कि जो हवा का यानी कि जो अणु होता है वो अणु गतिमान होता है और गतिमान होकर के ऊपर उड़ता है, तो यानी कि वो चीज़ें यानी गर्म का रूप लेंगी, और जो यानी कि ठंडी हवा है जहाँ पर किरण नहीं पड़ता है वहाँ का जो अणु है वो यानी कि ठंडा रहेगा, जिससे कि हम लोग को ठंडी का एहसास होता है। दोस्तों हवा कभी तेज चलता है कभी धीमा चलता है, इसके पीछे क्या कारण होता है, जैसे सूर्य का जो यानी कि रे होता है जो किरण होता है वो यानी कि हवा के अणु पर पड़ता है, तो हवा की अणु जो है कि तेजी से यानी गतिमान होता है और तेजी से गतिमान होकर के ऊपर उड़ता है, यानी कि उस पर जो दबाव होता है यानी कि अधिक दबाव से कम दबाव की ओर जो है कि हवा बहने लगती है, और यही क्रिया जो है कि बहुत यानी कि तेजी से होने लगता है, तो हवा जो है कि कभी तेज और कभी धीमा उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों हवा बहने के पीछे मौसम का भी कारण होता है कि कभी कभी मौसम जो है कि बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है और उस गर्म में क्या होता है कि जो हमारा गैस का अणु है वो ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो नीचे ही रहेगा, और जब नीचे रहेगा नीचे घूमती रहेंगी वो एक लू का रूप बनाता है, जैसे कि हम यानी कि बोलते हैं गर्मियों में लू का चलना। और दोस्तों यही चीज़ यानी कि सर्दी में क्या होता है कि सर्दियों में यानी क्या होगा कि बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ जाएगा, तो जो नीचे की यानी कि जो हवाएं हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती हैं और वो ऊपर नहीं जा पाएंगी, और जो ऊपर नहीं जा पाएंगी तो नीचे यानी चलती रहेंगी, नीचे चलती रहेंगी, और इस प्रकार से यानी कि इसको बोलते हैं शीतलहर का रूप, यानी शीतलहर का चलना। दोस्तों यानी कि चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो दोस्तों ये हो सकता है, वैसे मैक्सिमम जो होती है लगभग 90% ये जो यानी कि हवा का तेज धीमा चलना होता है दोस्तों ये गर्मियों में होता है, क्योंकि गर्मियों में दोस्तों टेम्परेचर जो है कि बहुत ज्यादा मिलने लगेगा, जिससे कि अणु जो होते हैं वो गतिमान होते हैं और ऊपर उड़ने लगते हैं, जिससे कि हवा का रूप परिवर्तन देखने को मिल जाता है दोस्त। लेकिन सर्दी में क्या होता है कि दोस्त अगर नीचे ऊपर है तो वह यानी ठंडा और गर्म के हिसाब से होता है, जो ठंड यानी कि हवा होंगी वो नीचे होंगी और जो गर्म हवा होंगी वह ऊपर होंगी, तो इसी कारण से दोस्त यह हवा का चलना होता है। तो दोस्त आज हम सभी लोग इस वीडियो में देखें कि हवा कैसे चलता है, हवा का निर्माण कैसे होता है, हवा उत्पन्न कैसे होता है, हवा का यानी कि जो मूल यानी कि बेसिक चीज होता है वह क्या चीज होता है। तो दोस्त हवा यानी कि जैसे पहले लोगों के माइंड में बहुत सा क्वेश्चन रहता था कि हवा क्या कोई बहुत बड़ा सा चीज़ है क्या कि जो कि हमेशा चलाता रहता है ऐसे, या फिर किस प्रकार से हवा का निर्माण होता है। तो दोस्तों हवा जो होता है वह गैस के अणु होते हैं, और गैस के अणु जितने तेजी से गतिमान करेंगे हमको हवा मिलता जाएगा, बस सिंपल सा मैटर है ये दोस्तों। तो दोस्त आज का वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा है तो हमें जो है कि लाइक जरूर करें, धन्यवाद दोस्तों।